புகை பிடித்தால் புற்றுநோய் வரும், புகை உயிரை குடிக்கும். ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது. கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜீரியஸ் டு ஹெல்த். Tujuan kita berkumpul di sini. Lelaki ini adalah kembali. मलेशिया के पुलिस अधिकारी यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं। मलेशिया कैरी पाम प्लांटेशन के मंदिर में हुए फसाद से संबंधित मुख्य अपराधी है कब्बाली। पिछले 25 सालों से भुगत रही उनकी कैद की सजा आज खत्म हो रही है। रिहा होकर वो बाहर आ जाएं तो देश में फिर से कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए उन्हें रिहा कर दे या उनकी सजा को जारी रखे, उस पर चर्चा चल रही है। उस दंगे में कबाली की बीबी को और उसके आदमियों को मारने वाला 43 गैंग का लीडर टोनी ली था। होटल इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का धंधा। मलेशिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट ना हो। विजय से यही टोनी ली की ताकत है। 43 गैंग का एक और दूसरा स्तंभ, पूरा केएल सिटी इसके कंट्रोल में है। विजय सिंह को पूरे मलेशिया में हुकूमत करने में मदद करने वालों में ये दो शख्सियत है। पहला लोकेश, ड्रग, नशा, पिल्स, ऐसे जाने जाने वाले कई खतरनाक ड्रग्स पूरे मलेशिया में यही सप्लाई करता है। अरबों का मुनाफा देने वाले इस बिजनेस में इसकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। और दूसरा है शिवा, गैंग के खिलाफ उठने वाली आवाजों को मिटाना और हवाले का धंधा, पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को गैंग में शामिल करना, ये सब इसका काम है। देश में 43 का गैंगस्टरिज्म सरकार के कंट्रोल से भी बाहर निकल गया, तब सरकार ने उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की मुहिम तैयार की। उस ऑपरेशन के दौरान पुलिस और गैंग के बीच गोलाबारी में से विजय सिंह बच के भाग गया। टोनी ली उस दौरान हुए इस हादसे में कार के साथ चलकर मर गया, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में है। इस तरह खत्म हुए गैंगस्टरिज्म टोनी ली के बदले की आग में जलने वाले कबाली के रिहा होकर बाहर आ जाने से, गैंगस्टरिज्म फिर से ना जाग जाए और दोबारा गैंग वॉर ना हो जाए, इसलिए कबाली को रिहा करे या ना करे इसका फैसला करने की एक नाजुक परिस्थिति सरकार के सामने आई। Especially the gangsters who drops out of schools and join gangsterism. He does all these things with the help of his friend Amir and an organization called Free Life Foundation. His thoughts and visions have changed. Furthermore, the problem is for him. They have tried to kill him 13 times inside the prison. Kita bebaskan je lah dia. Dah lah tua. Tua rupa pula tu. Kita boleh bebaskan dia. The government will take another way if needed. Hello. Hey. Hello. Hey.
म्यूजिक बंद कर। हेलो, सच बोल रहे हो? कल कबाली बाहर निकल रहा है? कंफर्म है? कौन आ रहा है? कबाली। ओके ब्रो, यही मौका है, कल बाहर आ रहा है, उसे टपका लो ब्रो। हाँ भाई, कल वो छूटने वाला है, बाहर निकलते उसको टपका देते ना, 43 का पावर दिखा देते हैं साले को। ये क्या बोल रहे हो भाई? ओके भाई, ओके भाई। महीने की बात है, मैं बाहर आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, मैं जरूर तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, ये वादा रहा। सिले चप जारी दी सिनी। मरने तक अंदर ही रहने वाले थे, आपकी किस्मत बुलंद है, जल्दी बाहर जा रहे हैं। हाल ही में 40 लोगों का इनकाउंटर, उनमें से 30 से भी ज्यादा लोग इंडियंस थे। हिंदुस्तानियों का नाम बदनाम हो गया, यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद मुझे भी शक की निगाहों से देखते हैं। प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, बाहर जाके शुरू मत हो जाएंगे फिर से। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बहुत खूब, वो क्या है कि 43 वाले आप ही को टारगेट। अमीर, तुम आ गए भाई, माशाल्लाह, तुम्हें एक बार सीने से लगाओ। आजा राजा, आजा। तुम आ गए भाई, मेरे लिए यही काफी है, बस। चल। ए, संपत। हाँ भाई। रवि, ये क्या लंबे लंबे बाल, कैसे हैं भाई? भाई कमाल के दिख रहे हो, गुड गुड गुड। आपके होते हुए हमें किस बात की कमी है भाई? सब अपने लड़के हैं भाई। ओके, अच्छे बच्चे, गुड गुड। ये मास्टर है अपने स्कूल का। नमस्ते सर जी। तुमसे मिलना चाहता था, तुम अच्छे तो ना भाई? कैसा लग रहा हूँ? ऑसम भाई। वो अपनी गाड़ी है भाई, तुम्हारी तरह परफेक्ट कंडीशन में, तुम्हारी फेवरेट लव बर्ड। सुपर। सब इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, फ्लैट में तो जश्न मनाया जाएगा, गैंग के सारे लड़के पहुंच गए। भाई वो देखो ना, यहीं पे मंगल की नाई की दुकान थी, रेनबो गार्डन एरिया। और ये देखा, यहीं पे अपने राम प्रसाद जी रहा करते थे। सब कुछ बदल गया ना भाई। भाई वो देखो, दिन दहाड़े ड्रग्स का लेनदेन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे और काम देखो कैसा कर रहे हैं भाई। वाकई कलयुग है, 43 गैंग के हैं, क्या कर सकते हैं। अपना फ्री लाइफ स्कूल है ना, उसमें ज्यादातर ऐसे गैंग में रहकर जिंदगी बर्बाद करने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं।
भाई जरा यहाँ तो देखो, अगर ब्याज का पैसा ना चुकाया गया तो वार्निंग लाल रंग डाल देते हैं, वार्निंग देने के बाद भी नहीं चुकाया तो फिर धुलाई होती है, उठा के ले जाते हैं। वही 43 टॉनी ली, विजय सिंह और इनके अलावा शिवा, वो हमेशा पेट शॉप में ही रहता है। कहाँ है वो पेट शॉप? भाई वही है शिवा की दुकान, नाम के लिए पेट शॉप पर अंदर सब इलीगल स्मगलिंग है। संपत भाई आजादी से उड़ने वाले बच्चों को इस तरह कैद करके रखने वाले का क्या करना चाहिए? पिंजरे में रहना कितना मुश्किल है पता है? छोटे छोटे लोहे के दरवाजे हैं, खोल दिया तो खुला आसमान, खोल दिया तो मर जाएंगे भाई, दूसरे पक्षी नोच डालेंगे। ये पंछी जन्म लेते हैं उड़ने के लिए, उन्हें खोल दो, जीना या मरना उनके नसीब की बात है। तेरा ये रहम उनके लिए मौत से भी बदतर है। ऑल इन वन पैकेज, लेकिन उड़ान घुटान का स्पेशल प्राइस है, ओके? ये तो तेरा ऑल ब्रो, आई टेक केयर, ओके? चिकन मसाला। और बोलो क्या खातिर करूं? गर्मा गर्म चाय मिलेगी? हाँ, चीनी कम डाल के। हाँ? नहीं चाहिए? नहीं 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 चाहिए। लगता है सीधे यहीं पर आ रहे हो। बोलो क्या बोलना है? हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली, ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है, ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। आज से 25 साल पहले जैसा गया था कबाली, वैसे का वैसा ही वापस आ गया है, जाकर बोल। टोनी ली और विजय सिंह दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो मेरे सामने आकर खड़े होने चाहिए। चिकन मसाला உடை பவன் யார் விடை தருமா? கபாலி தான் கலகம் செய்து ஆண்டையரின் கதை முடிப்பான். உலகம் ஒருவனுக்கா உழைப்பவன் யார் வீடு தருவான்? கபாலி தான் கலகம் செய்து ஆண்டையரின் கதை முடிப்பான். நீ வந்தாய் தீயின் கருவாய், கண்கள் உறங்கினாலும் கனவுகள் உறங்காதே, பூவின் நிழலாய் புல்லா குழலாய், உனை வெளியிடு துளிர் வீடு பலியட என்னாதே. வாழும் கதைகள் இருக்கு, நாளை நமக்கே விடியும் விழுந்து போராடு. வானம் உடனே பாதி வழியில் பர
நிறுத்தி டமிட்டே கபாலி வாரா கையந்தே பவர போல சுத்திக்கிட்டே பறையிசை அடித்து நீ பாட்டுக்கட்டே இத்தனை நாளா கூட்டுக்குள்ள இனிமே வாரா நாட்டுக்குள்ள எதிரி கூட்டம் அடிப்போச்சே உறுதியில் நெருப்பு தான் குடிப்போச்சே Watching over my pride. Naga yenga poranda. I don't wanna get no poja. Tamulanikaga vandhu ninna van tamulanda. Stuck in my brain, won't let them get away with the things that they do. Bad moves that they make. Vandavana ponavana vaya vetchava. Yini vandhu katta pora vaya moody kavali. Call it kavali swag. Come and get some like a K-Town flag. It ain't about the size of the dog in the fight, but the spirit of the fight in the dog. That's வேறும் பூவும் வேறில்லை கருமேகம் போல நீரில்லை அலைக்கடல் அடங்குமோ அதிகார குரலுக்கு எப்போதும் நீரின் வீழ்ச்சி நீதானே உனை நீந்தி கடக்க முடியாதே ஒரு பனித்துளி அது எரிமலை அணைத்திடுமா குடியின் குப்பாடு இனி நாட்டுக்குள்ள கேட்காதே இன முகவரி அது இனி விழித்திறந்திடுமே வெட்டுக்குடியின் குப்பாடு இனி நாட்டு முகவரி அது இனி விழித்திருந்தேன் இதையாக வாழும் நமக்கு கதைகள் இருக்கு நாளை நமக்கே விடியும் விழுந்து போராடு வானம் புலனே பாதி வழியில் பறவை பறக்க மறக்க கூட हमें यह उम्मीद नहीं थी भाई उसने शिवा भाई को ही पीट दिया हम कौन है उसे दिखाना पड़ेगा ईल फंस गया ए, अरे मुझसे खेल रहा है छोड़ूंगा नहीं तुझे ये अपने बच्चों को अपने अंदर छुपाता है और अंत तक उनको बचाने की कोशिश करता है फड़फड़ाता है तभी मारने का मजा आता है कड़ा टेस्ट है ऐसी मस्त मछली को खाना है ना तो पहले उसकी खूबी जानो तभी इसको पकड़ सकते हो और इसको खा सकते हो इसी मछली की तरह है वो कबाली मरेगा मेरे ही हाथों लेकिन अभी नहीं अभी टोनी ली भी यहां नहीं है ऐसा मारूंगा ना उसे पता भी नहीं चलेगा मौत कहां से आई बचेगा नहीं वेट करते भाई फिश करिए दबा के खाओ ना ये क्या है बेटी मटन है अंकल तो रखो ना वाह फातिमा कमाल का टेस्ट है मार डाला बिल्कुल मेरी बीवी के जैसा शुक्रिया भाईजान भरपेट खा ये क्या बोल रहे हो सचमुच भाई सच बोलो ना मुझे बुरा नहीं लगेगा मेरी बीवी के हाथ में तो जादू है भाई बहना तेरे हाथ का खाना बढ़िया है कहा तो ये मान ही नहीं रहा कसम खाने को कह रहा है तुम दोनों ही निपट लो जिसकी जी भी ना हो वो स्वाद क्या जाने जिसकी जी नहीं है देख भाई देखो ना बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया सा खाना खा रहा हूँ मजे से खाने तो दे मैं मजाक कर रहा था भाई चलो जल्दी खा लो उसके हाथों में वाकई जादू है तुम खाओ ना भाई क्यों नहीं चाहिए फातिमा उसे मत बुलाओ ना माँ बनने वाली औरत को इस तरह नजरअंदाज करोगे क्या करूँ बोल तुम्हारी बाहों में सो जाना चाहती हूँ Thank you.
क्यों इतनी देरी? अंदर सब इंतजार कर रहे हैं, आइए। सारी बातें हो गई हैं, कोई समस्या नहीं, आप अंदर जाइए। हाँ, हाँ। पैर सूज गए हैं, चल भी नहीं पा रही हूं, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। बस बस करो भाभी, चलिए खाना खा लीजिए, पता है कब से इंतजार हो रहा है। क्या कर रहे तुम, जल्दी आ जाओ, कहाँ गया था, भूख नहीं लगी? आ जा, आके बैठो, आओ खाना खा जाओ। भैया आके खा लीजिए ना। भाई ज्यादा कुछ मत सोचो, हम सब लोग हैं ना। तू जा आमिर, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। भाई भाभी को यहीं कहीं दफनाया, हम में से कोई नहीं था इसलिए पुलिस वालों ने ही सभी लाश। ए भानु, आजा आजा आजा, यहाँ कैसे अचानक मेरी याद आ गई क्या, जो मिलने चले आए? शाहरुख खान, मैं तो कबाली भाई से मिलने आई। भाई कैसे हैं आप? भाई मुझे नहीं पहचाना, मैं भानु। भानु भानु, क्लैंग में आपने ही मुझे पढ़ाया, स्टेट में मैं फर्स्ट आई थी भाई। अरे 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 भानु, मैं घबरा गई थी कि आप भूले। शादी तो हो गई ना, शौहर क्या कर रहा है? सब हो गई, लेकिन क्या फायदा, बुरा मत मानना, ड्रग्स ही बेचती थी, पढ़ते वक्त बहुत सारे सपने थे, नहीं जानती थी कि किस पर भरोसा करूं। प्यार किया, बड़ी बड़ी बातें की उसने, सब के सब फिल्मी डायलॉग, और आखिर में गोद में एक बच्चा भी दे दिया। एस्टेटों में आंदोलन हुआ था ना, तब कहा कि वो इंडिया जाएगा, मैंने मना किया लेकिन वो चला गया, तब जो गया आज तक नहीं लौटा। क्या किया जाए, खैर मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। जीवा यहाँ आना, मेरी जिंदगी तो गई, इसे पढ़ने के लिए कहा तो मान नहीं रहा, नौकरी पे जाता है मारपीट करके लौटता है, ये एक टांग पे खड़ा है कि तुम्हारे साथ ही काम करेगा, तुम्हारे साथ रहा तो सुधरेगा सोच के ले आई हूँ। तुम ही संभालो। रो क्यों रही है, भाई सब देख लेंगे। अपने भाई के सामने ही तो रो रही हूँ। भाई तुमने बुलाया था ना भानु का लड़का जीवा, वो आया है। भाई गाड़ी रोको, जय भाई बुला उसे। अरे सुनो, आ जाओ गाड़ी में बैठो। ए, ए, हटो हटो, रास्ता दो। फातिमा भाई, यहाँ सब कुछ फातिमा ही है। आइए भाई, गुड गुड गुड। हमारे स्कूल से हर साल 70 बच्चे ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं, सब हिंदुस्तानी है, 16 साल से 20 साल की उम्र वाले, दूसरे स्कूलों से ड्रॉप आउट, सभी किसी ना किसी गैंग में थे। भाई आ जाओ इस तरफ इस तरफ। ये हथियार हमारे लड़के गैंग में इस्तेमाल किया करते थे, उनके पास से हमने जब्त करके यहाँ रखे। यहाँ ये देखो भाई, ये एक्सेसरीज हर एक गैंग के सिंबल्स कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए लेकर रखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन रहने चाहिए ना। आई अप्रिशिएट इट, थैंक्स। चलो अंदर चलते हैं। इस तरफ इस तरफ। 4 5 अब सब मिलके करो। आओ दी। ए, नमस्ते सर। बैठो ना भाई,
ये साहब कौन है जानते हो? जानता हूं, इन्होंने ही हमारे स्कूल के लिए ये बिल्डिंग दी है और स्कूल चलाने में हमारी मदद करते आए हैं। उन्हें एक स्पेशल फ्री लाइफ सैल्यूट दे दो। फ्री लाइफ सैल्यूट। ए, तू क्यों खड़ा हुआ? एक जगह टिके बैठ नहीं सकता? मैं तो बैठा ही हूँ ना। वो ऐसा ही है सर, वो कभी एक जगह टिकता नहीं, सबके नाक पे दम कर रखा है, हाइपर एक्टिव। उससे नाम पूछो ना। क्यों? पूछो तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? ए, खड़ा हो जा, नाम पूछ रहे ना, बता। मनमानी करने का पनिशमेंट जानता है ना? टाइगर। टाइगर, तू किस गैंग का है? 43। भाई कौन है जानता है? 00 वाला भाई है, कह रहे थे। जबान चलाता है, पढ़ लिख कर क्या करेगा तू? गैंग में ही काम करूंगा और क्या। भाई की गैंग में आएगा? हमारा गैंग ही नंबर वन है। कितनी अकड़े देगा। बस बस बैठ जा। एमीना, उसे देख के तू क्यों हंस रही है? मैं कब हंसी? टाइगर को बात करते हुए देख रही थी। उसे देख के ये हंसी ना? हंसी थी दीदी, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, कसम से मैं नहीं हंसी, प्लीज दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। सब लोग मुझसे इल्जाम लगाते रहते हैं। सर, देखने में आप मेरे पापा जैसे लगते हैं। पापा, आप ही बताए मैं हंसी थी क्या? भाई, लगता है ड्रग्स रस का, चिंता की कोई बात नहीं। चलो भाई, चलो। कुछ तो बोलिए। उसका नाम मीना है भाई, हमारे वहीं रहती है, सनवे फ्लैट में। पढ़ाई के दौरान ही सामने वाले फ्लैट के चर्सी से प्यार हो गया। वो अधेड़ उम्र का था, बच्ची को बहला फुसला कर उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और उसके बाद वो कमीना उसे छोड़कर चला गया भाई। वो छोटी उम्र में ही माँ बन गई थी, इसलिए बच्चे को संभालने के लायक नहीं कहकर चाइल्ड केयर वाले उसके बच्चे को लेकर चले गए। वो पूरी तरह टूट गई। महेश ने उसे हमारे स्कूल में भर्ती कराया। डिप्रेशन की वजह से वो नशे की गुलाम बन गई। ड्रग्स के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो बोलिए। उस लड़की ने मुझे पापा बुलाया ना, बेचारी। अगर मेरा भी बेटा या बेटी होते तो उसी की उम्र के होते ना। हमें संभल कर रहना होगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। पुराने जमाने की बात अलग थी, आज अलग है। आज जहां भी देखो 43 वाले हैं। टोनी ली के बगैर विजय सिंह राज कर रहा है। ऐसे मौके पर आप जाके शिवा को अमेजिंग फिश, वेल कुक लंजाय बगड़िया, अच्छे से खा लो महेश। मुझे सी फूड हजम नहीं होता। सब हजम हो जाएगा, खा लो। कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं भाई, कुछ भी करने निकलो तो हफ्ता मांगने लगते हैं। बांग सुमो को आसान नहीं हो डाकों के अंपांग बुकी पिंतांग काजांग माचा माने ना बिजनेस बांग। बियर कान ए, मैं भी गैंग वालों में बोल के देखा, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। जॉनी लीवर की तरह मैं भी गुंडा हूँ बोलते रहो बस। कोई फायदा नहीं भाई, सब मुझे शरीर समझने लगे। देखा जाए तो काबिल लोग ही यहाँ रह सकते हैं। हमें अगर जिंदा रहना है तो बाकी सब नजरअंदाज करना होगा। पैसा पावर अगर इन्हें हासिल करना है हमको तो सब काम करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, पुलिस की नजर में 43 भी बुरे हैं और हम भी बुरे हैं। हम नेक काम कर रहे हैं कहकर हमारी जान बख्श नहीं देंगे वो। हमारे काम को देखकर पब्लिक को हम पर फक्र होना चाहिए, डर नहीं। इस देश में कहीं भी देख लो, यहाँ के लोग और चीनी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे लोग हमारे दुश्मन हैं। लोगों से भरोसे की उम्मीद कैसे करें? हैं? 43 गैंग जो करता है वही हम लोग भी करते हैं। क्या ड्रग्स का धंधा करने वाला आम में नहीं है क्या? ये सब फिजूल की बातें हैं। भाई के जमाने में लड़कियों का धंधा और ड्रग्स मना था, आज भी वैसा ही है। जब तक मैं मौजूद हूँ किसी को ये सब करने दूंगा? तुम इस गैंग में ड्रग्स का धंधा करते हो? क्यों बेटा, मजाक सोच रहा है? कबाली भाई, आपका भरोसा मेरे लिए काफी है, वही काफी है। मैं कभी आपके बातों को ठुकराऊंगा नहीं। अच्छे से खा लो महेश, भरपेट खा लो। क्यों रुक गए, खा लो ना, पेट भर गया, बैठो ना। अरे बैठो ना। अरे
अपनी सेहत का ध्यान रखना। क्यों? हाँ मैं तो ध्यान रखूंगा। हाँ। कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहिए। हम तो अच्छे से ही रहेंगे। सुनकर खुशी हुई, चलता हूं। वक्त बदल रहा है पर मसला वैसे का वैसा ही है, और एकता इस महेश की तरह है। वो फ्री लाइफ, स्कूल के बच्चों को देखा तो दिल में, हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, इसी के लिए हमने तकलीफ उठाई? वो बच्चे मैं जानता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, वो लोग सर उठाए उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो टोनी ली और उसकी गैंग आज इस मुल्क में, वो भी हम इंडियंस के खिलाफ होने वाले जुल्मों को रोकना होगा। जिस ताकत के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं उसका अंत करना होगा। उनकी करतूतों को हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट, इट इज द बिगिनिंग ऑफ हिज एंड। बहुत खूब। महेश की तो हालत खराब हो गई, अब 43 गैंग की ताकत तोड़नी होगी। ये चाहिए। ड्रग्स में ही उसकी ताकत है, ड्रग्स को तोड़ दो तो टोनी ली टूट जाएगा। क्या तेरी माँ ड्रग्स बेचती है इसलिए? भाई आज सबसे ज्यादा कमाई गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन में है, उसे कंट्रोल करना काफी है। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 50 सेंट की कोला को मार्केट में 2.5 रिंगिट में खरीदते हैं, बनाने वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला, सरकारी टैक्सेस, होलसेल का एक प्राइस है और डीलर का एक प्राइस है, इसके ऊपर थिएटर्स, मॉल्स, उनका अलग प्राइस है। ठीक उसी तरह है ड्रग्स भी, हर खरीदार का अलग अलग प्राइस है। 1 रिंगिट डालो तो 100 उठा सकते हो। इस बीच हाथ बदलने वालों का बहुत बड़ा चेन लिंक है, उनकी गर्दन उड़ा दो तो पूरा नेटवर्क खत्म। 43 के टोनी ली के ड्रग्स का धंधा संभालता है लोकेश। लैंग में शिप तोड़ने की जगह है ना, वहीं उसकी ड्रग्स फैक्ट्री है। वहाँ काम करने वाले सभी छोटे छोटे इंडियन बच्चे हैं, सबके सब स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं, रोजी रोटी के लिए वहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि अपने स्कूल में भी उसी की ड्रग्स बिकती है। वो जो टाइगर है ना, वो भी तो लोकेश के लिए ही ड्रग्स बेचता था। ए, अब बस कर। यस लोकेश, फौरन उसके साथ मीटिंग अरेंज करो। नहीं हम ही जाएंगे। दो मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। क्यों लोकेश, क्या चल रहा है? क्या चाहिए, सीधी बात कर, डोंट वेस्ट माई टाइम। ओके ओ ये बात है, बता ड्रग्स कहां से आ रही है? क्यों तुम्हें भी चाहिए? सुपर आइटम है, मैं जो क्वालिटी देता हूं वो कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारे लोग तो ड्रग्स नहीं बेचते हैं ना, अच्छे चाल चलन वाला गैंग है। क्यों मेरे से खिलवाड़? आज से गोलियां नहीं बेचोगे, सब बंद करना होगा, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, तू यहां से पुर हो जा वरना बेमौत मरेगा। ए बॉयज, इस आदमी को बाहर जाने के लिए कहो, खामखा बैठ के दिमाग चाट रहा है। हे सुपर। अच्छा तो ये बात है। अरे ये तो मैं ही हूँ, बहुत जवान लग रहा हूँ ना, उस जमाने की एक भी फोटो नहीं है मेरे पास। एक फोटो खींच लेता हूँ। ठीक है मुद्दे पर आ, तब मैं नादान था, मुझे बुलाया मैं आ गया, बस उतना ही, मैंने वहां कुछ नहीं किया। अब चलता फिरता नजर आ। ए, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। Okay.
अरे रुकना, सुनना है तो सुन ले। जब तेरी बीवी आखिरी सांस ले रही थी तो उसे ले जाके मारने वाला वो कुत्ता वेणु था। हो सके तो उसे पकड़ कर खत्म कर, नहीं तो मुझे बोल, मैं टपका दूंगा साले को। मेरी ड्रग स्टोरी कर ली उसने, पता है कितना नुकसान हुआ मेरा। अगर तेरी बीवी जिंदा भी बच जाती तो वो साला उसे भी अच्छी कीमत पे बेच देता। लड़कियों के मामले में तो वो उस्ताद है, बुढ़ियों को भी नहीं छोड़ता कमीना। तो फिर सोच ले। बहुत खूब भाई। पूरा माल लॉक कर दिया है, अब कुछ नहीं कर सकते। नाउ दिस आर नो बिजनेस ऑफ वेरी बैड कंडीशन। सूत्रों का कहना है कि यहीं से ये नशीले पदार्थ पूरी मलेशिया। हाँ भाई, सारा धंधा चौपट कर दिया उसने, उसको टपका नहीं पड़ेगा। योगिता, उसी को ये काम सौंप देंगे, कोई सपने में भी नहीं सोचेगा ऐसा काम करते हो। उसी को बुलाता हूँ, एक पूजा रखते हैं। सारे लड़के परेशान हैं, साला कपाली और पुलिस मिलकर हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं। बुला लो उसे। गवर्नमेंट ने जरूर कुछ प्लान किया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ना किसी को खबर हो, ना किसी को शक हो, ऐसे किसी शख्स को ये काम करना चाहिए, इसलिए तुम ही सही रहोगी, ये काम तुम ही कर सकती हो। शिवा तुम्हारे साथ रहेगा, सारा इंतजाम यही करेगा। ए, मेरा चेहरा यहाँ है। ठीक है, मैं निपटा दूंगी। भाई तुम्हें पता है विजय सिंह मैदान में उतर गया, कल ही श्री गणेश किया उसने। अगर तेरी बीवी जिंदा भी बच जाती तो वो सारा उसे भी अच्छी कीमत पे बेच देता। पता नहीं, दिल में कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर आज रूपा जिंदा होती तो कहां होती, किस हाल में होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल नहीं मान रहा कि वो नहीं है। मुझे फौरन वेणु से मिलना है। वेणु, पुलिस रिकॉर्ड में से ये फोटो मिली है। बतके में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मामा मेरू, वहां गए तो वो मिलेगा।
ए, ये वो नहीं है, ये कोई और है भाई। ए, चल। बजा साले, ये औरा आदा बन्या प्रॉब्लम, समो पसाय दे। अपने एग्जाम मांगा, तो विजय श्री ने उसे टपकाने का ऑर्डर दिया। दे चोले पंपवान, दे उगोट उन्तों अपलोड वीडियो डालाम इंटरनेट, तो तिदा दे उगने जॉइन प्लचुरन। कहाँ है वो दिल तेरा, था जो कभी घर मेरा, घर से क्यों बेघर कर दिया तूने। टाइगर जाओ उगलो। Aku tak tahu. Dia seorang je yang tahu. Watchman bela dekat lubang pang. Kalau korang dapat tangkap dia. Hey, yang mana tau? Mari berhampat kau. Kau boleh, bhai. Mujhe maaf kar do, bhai. Mujhe maaf kar do. Main pehle jaisa nahi hu, bhai. Maine sab ko chhod diya hai, bhai. मुझ पर रहम करो भाई, मुझे छोड़ दो। मेरा यकीन करो भाई। वेणु कहाँ है? वेणु कहाँ है मैं नहीं जानता। उनको छोड़ के मैं कभी कहीं आ गया हूँ भाई। भाभी मर गई सोच के उन्हें स्टेज पर लिटा के मुर्दा से लेके बोलो। तो वहाँ का वार्ड बॉय दौड़ कर आया और बताया कि भाभी जिंदा है। वेणु और लोकेश अंदर गए। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता भाई, मैं कुछ नहीं जानता भाई। आती है तो ख्वाबों में तो सामने क्यों आती नहीं, घड़ी घड़ी मुझे क्यों सताती नहीं। बैठ जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ हूं? मैं कब से इंतजार कर रही थी। माँ बनने वाली को बहुत परेशान कर रहे हो। कॉलर में इतना मैल कैसे? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? गाड़ी चलाओ, अभी कुछ नहीं करेंगे। फास्ट चलो। अरे चेहरा दिखा। कुमार तू है भाई? ये रामप्रसाद का बेटा कुमार है भाई। ऐसा क्यों किया तूने? पूछ रहा हूँ ना, बोल। मेरे बाप को तुम्ही ने मारा था ना, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम प्रसाद का बेटा है ये? कुमार भाई, दरअसल उसने नौकरी मांगी थी, तुम्हें पता चला तो इसलिए नहीं बताया। वैसे वो अच्छा लड़का है। वो क्या है कि सॉरी भाई, लेकिन उस लड़के के मन में ऐसा कुछ इरादा है मैं समझ नहीं पाया। श्याम प्रसाद का बेटा इतना बड़ा हो गया, आज मेरे ही सामने मेरी जान लेने पर। अभी मेरी जिंदगी में और क्या क्या देखना बचा है मैं खुद ही नहीं जानता। सपने में चाहे जितनी भी तकलीफें हों, आंख खुलते ही सारी तकलीफें मिट जाती है। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। भाई फिक्र मत करो भाई, जीवा उसे लाने के लिए गया है। सुनो आमिर, आप तैयार है ना, तो चले। ग्रेजुएशन फंक्शन है उसी के लिए। ओ, आज एक बैच का कोर्स खत्म हो रहा है, सब अपने घर चले जाएंगे। उससे पहले आपसे मिलके आपकी बात सुनना चाहते हैं। मुझसे? मुझसे क्यों मिलेंगे? आइए एक बार मिलिए ना भाई जान। पापा प्लीज, पापा चलिए ना, आइए ना। चलो।
तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, इसे भी बिठा दो। भाई सबको नमस्कार। सर अपने लाइफ एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए पधारे हैं। ये इस पीढ़ी के पहले ग्रेजुएट हैं। ये ऐसे कैसे बन गए, इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, ये बताने के लिए आए हैं। आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। क्यों पापा? लेकिन उससे पहले हमारे स्कूल में पढ़ाई खत्म करके इज्जत की नौकरी करने वाले शिवदास भैया अपने अनुभवों को जाके बात करूंगी। भाई पिछले साल इसने पास आउट किया था। नमस्ते साहब। सबको नमस्कार, मेरा नाम है शिवदास। मैं भी तुम्हारी तरह था, स्कूल ड्रॉप आउट, ड्रग्स का धंधा किया, कम उम्र में कट्टा भी चलाया। इससे स्कूल में आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फातिमा दीदी, आमिर भाई, कुमार सर, इन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की। अब मैं पेट शॉप में काम कर रहा हूँ, मैं खुशी से रह रहा हूँ। तुम भी अच्छे से पढ़ लो और मजे से जियो। सबको मेरी तरफ से थैंक्स, चलता हूँ। आप पापा से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप हमेशा सनग्लास और सूट बूट में घूमते हैं क्या? ये गर्मी का मौसम है सर जी। कैसा सवाल है ये, बैठ जा। सर, किस गैंग के थे आप? सब कहते हैं कि आप बहुत बड़े डॉन थे। ए, ये सब जानना जरूरी है तेरे लिए? इसे मत रोको, इन्हें जो पूछना है पूछने दो, कोई बात नहीं। सर, कट्टा कभी चलाया आपने? सर, ये कट्टा चला था सर। हाँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक भाई ने दिया था, बस हीरो की तरह ठिक्का ठिक्का ठिक्का, बहुत मजा आया था साहब। एक दूध के दांत टूटे नहीं, कट्टा चलाएगा, बैठ जा। सर, इंडिया में आप किस गांव से हैं? हम जिला रामपुर से आए थे। मेरे पूर्वज यहां एक अरसे से गुलामी करते थे। उसके बाद मेरे पिताजी के जमाने से गोरों की एस्टेट में काम करते हुए पढ़ाई की और इस मुल्क की तरक्की में। खैर, आप पढ़े लिखे हैं, आप गैंगस्टर कैसे बन गए? हटा दो उन लोगों को, छोड़ना मत। Do you think you are equal to them, the Chinese, Kabali? Of course, we are not equal to Chinese. साहब के डसने से, बीमारी से, भूस्खलन में मरे हमारे दादा परदादाओं की लाशों पर खड़े हैं ये जंगल, मिट्टी और पेड़ पौधे। हम चीनियों से कम नहीं हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। हम उनसे ज्यादा मेहनताना नहीं मांग रहे। उन्हें जो दिया जाता है वही पगार हमें भी चाहिए। उससे एक पाई भी कम दोगे तो आपकी एस्टेट में हमें से एक भी आदमी कदम नहीं रखेगा। We are not slaves, we are employees, your employer. You should treat everybody equally. That is your duty. Try to understand it. Otherwise, you will face the consequences. I am not threatening you. I am warning you. If you think I am threatening, I will. Yes. उसके बारे में जानकर रामप्रसाद ने मुझे मिलने बुलाया। मैं आमिर के साथ उनसे मिलने गया। मुझे मिलते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीने से लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोगों के सामने मेरी बहुत तारीफ। आना है कबाली, तुम्हें आना होगा, तुम्हें भी आना है। चाहे जो कोई भी आए, हर किसी को उनका साथ देना ही होगा। सर, वो किसी से भी नहीं डरते थे। और डर, रामप्रसाद जी बोला करते थे, भाइयों और बहनों, क्या है धर्म, क्या है धर्म? हमारी जो जरूरतें हैं वही धर्म है, वही इंसाफ। उस धर्म को हमें हासिल करना ही होगा। क्या यह हमारा हक नहीं है? रबर सेठ से ज्यादा पाम ऑयल में फायदा है जानते ही। पल भर में मेरे भाई बहनों के खून पसीने को दबा के निचोड़ के चूस लेने के बाद आज कचरे की तरह पीस सड़क पर फेंक दिया है। बेसहारा होके खड़े भाई बहनों के लिए आखिर हमने मांगा ही क्या है? सोचो कि तुम्हें किसी ने जोर से चांटा मारा है, जवाब देना चाहोगे ना? क्यों मन में दबा के रखे हो? रो, चिल्लाओ, खुलेआम चिल्लाओ, लोगों को सुनने दो, वो अनसुनों की तरह पेश आएंगे।
धड़ा फाड़ के चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के जान दे दो। कभी ना कभी उन्हें सुनना ही होगा, रिएक्ट करना ही होगा। ये आंदोलन किसी एक के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं, एक कौम के लिए, आवाम के लिए है ये आंदोलन। कबाली, उस छोटे से स्टेट में अकेले ही तुमने बड़ा काम किया है, उसी के साथ दुनिया खत्म हो रही है। आ जाओ केएल टाउन में, आ जाओ, वहाँ हजारों लोग तरह तरह की तकलीफें झेल रहे हैं। आवाज दो, अपने भाइयों के लिए लड़ो, टक्कर लो। कबाली को आना होगा। हटो, आज मैं किनसे मिला पता है? हमारे नेता से, रामप्रसाद जी से। ओहो, अपने नेता से हुई मुलाकात के बारे में रात भर मैं अपनी बीवी से बोलता रहा। अपनी पत्नी को आप बहुत चाहते थे? बहुत चाहता था, बहुत प्यार ना। और कुछ होना हो ये जरूर जानना है। मैं बताता हूँ। बता सकता हूँ ना भाई, लव मैरिज ही है। प्यार भी ऐसा प्यार, तुम्हारे या मेरे प्यार की तरह नहीं, गहरा प्यार। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लड़की वालों ने मना कर दिया, हम हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी जाएं, कुछ साथ ले जाएं या नहीं, जात पात चानो चौकत जरूर ले जाते हैं, यही समस्या थी। लेकिन हमारी भाभी सबको ठोकर मार के भाई के पास आ गई, पता है? उसके बाद क्या, मैंने ही दोनों की शादी करा दी। हाँ बिल्कुल, इन्हीं महोदय ने मेरी शादी कराई थी। वो तो मेरा फर्ज था भाई, पहने हुए कपड़ों में ही मेरे भरोसे चली आई थी। वो दिखने में कैसी थी? बड़ी सुंदर थी, क्या नाम था उनका? उनका नाम था रूपा देवी। नाम भी कितना खूबसूरत है ना, उनके नाम की तरह वो भी बहुत सुंदर थी। वो जब हंसती थी ना, उनका पूरा चेहरा खिल जाता था। कविता बहुत बढ़िया है सर। सर ये भी कविता लाए सुनाने के लिए। अरे रुकना, हाँ भाई, मुस्कान के बारे में। अरे उठ के सुनाओ। तेरी मुस्कान से मेरी सांसें चलती हैं, मेरी सांस अगर रुक भी जाए तो इस मुस्कान को बचा के रखना। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक ऐसी ही थी रूपा देवी की मुस्कान भी। उस मुस्कान पर फिदा हुआ था मैं। उतनी खूबसूरत थी तो उन्होंने आपको कैसे पसंद किया? अरे खिंचाई कर रही हो, हाँ? काला हूँ पर ताकत वाला हूँ, मुझे देखते ही बेहोश हो गई थी वो। बेहोश हो गई? आपको देखे ये हम मानेंगे क्या? कान खींच रही हो। सब लोगों ने यही पूछा, मैंने भी उससे पूछा, तो पता है क्या कहा उसने? तुम्हारी आँखों की मस्ती ने मुझे बेहोश कर दिया है, अब मैं कभी होश में नहीं आना चाहती, मरते दम तक। तुमसे तुम्हारे काले रंग को छीनकर मैं अपने आप को रंगना चाहती हूँ, इस कदर प्यार है तुमसे। अगर आज मैं इतना ताकतवर महसूस करता हूँ तो उसकी वजह वही है, मुझे मोटिवेट करती रहती थी वो, छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। उसने तुम्हें मारा ना तो पलट के मार के अच्छा किया, कंफ्यूज मत हो। जब गुस्सा आता है कुछ भी मत सोचो, ब्रीद जाओ। गलत काम करने वाले सभी खुलेआम कर रहे हैं, तुम अच्छा काम करते हो तो खुलेआम करो, समझ गए ना? मेरी रीढ़ की हड्डी थी वो, रामप्रसाद जी के कत्ल के बाद जब मैं टूट गया था तब उसी ने मुझे दोबारा खड़ा किया। आप सच कह रहे हैं सर, वो इतने बड़े आदमी है, कौन है वो? हिंदुस्तानी ही है, और कौन। केकड़ों का किस्सा पता है तुम्हें? ये किस्सा तो सब लोग जानते ही हैं। इन केकड़ों को किसी बर्तन में डाल दो तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, पीछे जो केकड़ा है वो बाहर आने के लिए ऊपर वाले केकड़े को नीचे गिराकर वहीं बर्तन में छोड़ देता है। इस तरह सब कोशिश करते हैं पर एक भी बाहर नहीं निकल पाता। ठीक ऐसे ही हम भी हैं, अपनों को बढ़ने नहीं देते। इस कहानी का केकड़ा है विजय सिंह। रामप्रसाद जी सिद्धांत वाले थे, गैंग की अहम कंडीशन थी लड़कियों का धंधा नहीं करेंगे और ड्रग्स का धंधा बिल्कुल नहीं। उन दिनों इस मुल्क में ड्रग्स का आना शुरू हो गया था और चीनी लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे, जो रामप्रसाद जी को मंजूर नहीं था। चाहे सब कुछ गंवाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन नशीले पदार्थों को नहीं आने देंगे। ठीक है। Yeah.
पिताजी, पिताजी, नहीं छोड़ूंगा। जिन हिंदुस्तानियों के लिए रामप्रसाद जी लड़ते थे उन्हीं के हाथों चीनियों ने उनकी जान ली, सिर्फ पैसों के लिए। तभी मैंने फैसला किया वैंगली और विजय सिंह का खात्मा करूंगा। उस मंदिर को छूने से पहले मुझे छूना पड़ेगा। छू कर दिखा, मुझे छू कर दिखा। रामप्रसाद मरे नहीं, वो तुम्हारे रूप में जिंदा है। कवाली ऊंची बातें मत बोलिए। मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। धरती पे ये खड़ा, कहीं से कोई आ जाता है और राम प्रसाद कहलाता है। एक तो तू बनेगा या फिर मैं। आना सबके आंसू कोई समझेगा। और चार लोगों से मिलते हो, चार जगह जाते हो, लोग कपड़ों से आदमी को परखते हैं। कौन इसका फैसला करता है कि किस शख्स को किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए? बदलना होगा। दुश्मन की आवाजें तन गई जब इसकी तलवारें। दीन दुखी को यही दान करता है, दान के संग सम्मान करता है। दुश्मन तुझे बचाए चाहे दिन में कहे या रात में, कोई फर्क ना इसकी बात में। ऐसा है ये साथिया कभी छोड़ेगा ना तुम्हें। Let me get ears, I'll slice them all off with the same pair of scissors my mama used to cut cloth. Every man got a right to decide his destiny. I'd rather die standing up than living life on my knees. Beat the war drums hard, don't let the music stop. Mother chi, mother lovers, cause this jam. Beat the war drums hard, don't let the music stop. Mother chi, mother lovers, cause this jam. Rock. Okay. अपने फायदे के लिए, अपने पावर के लिए, अपने मुनाफे के लिए तुमने रबर निकालकर पाम के पेड़ लगा दिए। वीरों की भीड़ में एक साथी है। उसका हम विरोध कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। उसी वजह से ये सूट बूट पहनता हूं, वरना इस धूप में इन्हें पहनकर मैं क्यों घूमूंगा। ये तो सिर्फ कपड़े हैं, मैंने इन्हें अपनाया और मुझ पर नए राम प्रसाद की मोहर लग गई। वो टोनी ली और विजय सिंह ने मेरे दोस्त श्याम प्रसाद के हाथों मुझे और मेरे परिवार को। एंग्ली सबसे बड़ा डॉन, खास करके चीनियों में सबसे अच्छा आदमी था। उसने सभी गैंग वालों को बुलाकर एक दावत दी जिसमें हम भी गए थे। वहां टोनी ली भी अपनी गैंग के साथ आया था। I am so happy all of you can gather here tonight. This meeting is purely to strengthen our friendship. Let us forget all the problems and stay connected always. We should be proud that at this very young age, Kabali had been chosen to be the people's leader. He will fulfill in everybody's heart. Kabali, Yang Se. हकीकत में उसे जो इज्जत मिल रही है ना, वो तुझे मिलनी चाहिए थी। राम प्रसाद के बाद उनकी जगह तुझे होना चाहिए था। यही तो गैंग का रिवाज है। मैं मुंह खोलूं तो गुस्सा आएगा। वैंगली की जगह उसका बेटा टोनी लिया आ गया। मैं भी चाहता था मैं भी राम प्रसाद बन जाऊं। बनने देता अपना। तो बड़ा दिल वाला है, सब त्याग देता है। पीले पीले
क्यों दोस्त? एक्सक्यूज मी, शो का है, सारी कमाई सूट बूट में ही बहाओगे? हाँ श्याम, हम सूट बूट नहीं पहनेंगे तो और कौन पहनेगा? तुमसे भी कह रहा हूँ, पर तुम मानोगे तब ना, ये भी हमारा विरोध दिखाने का तरीका है। गांधी जी ने कमीज त्याग दी और अंबेडकर सूट बूट पहनते थे, इसके पीछे भी कई राज हैं। राजनीति बाद में बताता हूँ, ठीक है? ज्यादा चढ़ाना मत, बहुत से लोग आए हैं, कंट्रोल योरसेल्फ। आमिर चलो, जो भी हो जज रहे हो तो। हेलो जेंटलमैन। श्याम भाई, आमिर से ले जाओ। भैया मेरे साथ। देखो श्याम भाई, श्याम भाई, कबाली भैया से मिलना है। क्यों? नहीं भाई, उन्हीं से काम है। मुझसे बोलो तभी उससे मिल सकोगे। भाई हम पेनांग से आ रहे हैं, वहाँ स्टेट में कुछ समस्या है, वही बोलने के लिए आए हैं। ए, वो रहे कबाली भैया, चलो चलो चलो। सुनो, थोड़ा बर्फ डालना। अरे डालना, वहां देखो। ए श्याम प्रसाद, ए ए ए, क्या कर रहे हो? श्याम प्रसाद का बेटा हूं मैं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बोलता जा रहा हूँ, तुम बोतल उठा रहे हो, उसे जान से मार दोगे क्या? सब लोग जाओ जाओ। क्यों रे, सब लोग तेरे पास ही आएंगे? तेरी औकात क्या है मत भूल। तुझे मेरे घर में लाना ही भूल थी। राम प्रसाद मेरा बाप था, उसके बाद वो जगह मुझे मिलनी चाहिए, तू कैसे आ गया? सब लोग सुन लो, आज के बाद सब कुछ मैं ही हूँ, सबको मेरे पास ही आना होगा। सबके सामने मुझ पर हाथ उठाए ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक। आज से मैं अलग हूँ। ओके ओके। अरे भैया, श्याम प्रसाद भैया, रुको ना, मेरी बात तो सुनो। लिसन टू मी, वेट वेट। सुनो जी। हे श्याम, हे आजा यार, आ बैठ, तेरे बारे में ही सोच रहा था। सॉरी भैया, कल इन्होंने पी के बहुत बदतमीजी कर दी। मन में कुछ मत रखिए, रात भर ये सोए नहीं, उसी के बारे में बोल रहे थे। आपसे माफी मांगने के लिए इन्हें यहाँ ले आए। बहुत अच्छा काम किया, अब बैठ जा, बैठ। खा लीजिए भाई साहब। जरा संभाल कर रहना दोस्त, चारों तरफ दुश्मन है। ये ले, खा ले। कुछ भी हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के सामने झगड़ा करके, चिल्ला के, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ उसी के बारे में मत सोच, छोड़ना। आजकल मुझे हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अंबे माता के मंदिर में पूजा करवाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा कह रहे हैं। परिवार समेत जा रहा हूँ, तू भी चलना। मैं चलता हूँ, चलो रूपा। बनाना बंद करो, तलवार ठीक से पकड़ो। अंबे माता ये कुमारी, इधर आओ। तू इस देश पे राज करेगा, सुन लिया? तू राज करेगा। तेरी बीवी जब तक तेरे साथ है, कोई भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे मित्रों की आवश्यकता नहीं है बच्चे। आयुष्मान भवा। कपाली, हथियार फेंक दे। ए, हट जा। रास्ते के भिखारी, ड्रेस तो देखो इसका। क्यों बे, पूजा करने के लिए भी सूट नहीं उतारेगा तू? सूट के साथ पैदा हुआ था क्या? निकालो इसका सूट। निकाल ले तो जी। ए, 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 ए,
फिर उतार ये। इस देश के खिलाफ हिंदुस्तानियों को भड़काया, मंदिर तोड़ने पर विरोध किया, जमीन की मांग की, हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके आंदोलन किया, ऐसे खतरनाक इल्जाम इन पर थोप के भाई कभी भी बाहर ना आ पाए, ऐसा केस बनाकर इन्हें अंदर कर दिया। अब तुम लोग जान गए ना, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। अच्छी तालीम हासिल की है, जनता का भला करने की चाहत में गैंग में शामिल हो गए, लेकिन आज इनकी हालत। छोटी उम्र में पढ़ाई को ठुकरा के कट्टा चलाते हो, ड्रग बेचते हो, जब यहां से बाहर जाओ तो अच्छे विचारों के साथ जाओ। हर एक पंछी एक बीज साथ लेके उड़ता है, हर बीज के अंदर एक जंगल छुपा है, ऐसा नेक इरादा तुम्हारे अंदर भी है, हमें यकीन है ये तुम्हें भी हो। ऑल द बेस्ट। अच्छे तो है ना? अच्छा हूँ। इसके मन में ऐसा एक इरादा है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा, माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं, उसका गुस्सा जायज है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, अपने दोस्त को कैसे तू? चुप हो जा कुमार। आपने कैसे उनकी जान ली? मेरी माँ आज भी आपकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन मैं कैसे करूँ? मेरी बात तो, मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को जान से मार दिया था आपने, मैंने देखा था वहां पड़े उन्हें दम तोड़ते हुए। भैया। बेटा सॉरी, मानो ये मैं तुम्हारे पिता से कह रहा हूं। तू ऐसा क्यों करता है कुमार? कोजीबा, तुम खुद को बड़ा डॉन समझते हो, माँ बनने वाली औरत को मन नहीं दिया, बेचारी अपने बच्चे के साथ क्यों उसे जाने दिया? जाया क्यों नहीं? जा, नहीं तो मैं कहेंगे। दायर, दायर, दायर। वेणु कहा है मैं जानता हूँ, थाईलैंड में मैं दिखाता हूँ। मेरे बाप के मन को बहला के उन्हें पिस्तौल लेके आपके सामने खड़ा करने वाला वो वेणु ही था,
सारे फसाद की जड़ वही है, उसे मत छोड़िएगा आप। आमिर। हाँ भाई बोलो ना। सोच रहा हूँ मीना को गोद ले लो। अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़की का कोई भी नहीं है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। जब भी उस लड़की को देखता हूँ मेरे अंदर जज्बात की लहरें उठने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लड़की पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगा हूँ। वो ऊपर होगा। हाय माता मलाई। बोरा देखिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो भी पाप किया है उसी की सजा भुगत रहा हूँ कबाली। मेरी रूपा को तूने क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी एक बेटी है। ए, ए, क्या कहा तूने? मेरी बेटी जिंदा है? ए वेणु, हे हे
रीवा संभाल के लेके जा। एक बार कहो बेटा। पापा, तुझे पाकर पा लिया मैंने मेरे जीने मरने का मकसद। हे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ पापा? ये मीना इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी है? मीना कौन है? वो फ्री लाइफ में पढ़ती है। के बाद पिछले महीने मलाका जेल से रिहा हुए कबाली। हेलो, आ गया? वाकई? ओके ओके। महेश ने मुझसे ये काम करवाया दीदी, वरना मेरे बच्चे को मार देंगे। कहा कबाली पापा के घर के रास्ते में मुझे खड़ी करके तूने चोरी की अपने बच्चे की खातिर किया। मैं ही कर सकता था। 5 गोली लगी थी उसे, इतने आसानी से नहीं मरा। कपाली के नाम से मौत भी डरती है। I already asked the police. They confirm that he's dead, but no body found. लाश नहीं मिली। कितने दिन हो गए? पेपर में भी साला कोई साफ साफ खबर नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। उसकी लाश को मेरे आंखों के सामने जलाने से ही मुझे चैन मिलेगा। ये सब देखने वालों को पहले टपकाना होगा। Yes, sir, Rasul Kabba. Calm down. Calm down. It is us now. 43. We run this. Nobody can with us. Nobody. Cheers. 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 Yogi ka phone. I am really happy. इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है ये कबाली। बुरों के लिए बहुत बुरा हूं मैं। मेरी बेटी आज मेरे साथ है।
We will meet soon. Aag hoon main. Yes, definitely. Bahut khoob. Aashak kar le. लड़की मीना ने जरूर मेरा नाम लिया होगा, उसके लौटते ही मेरा काम तमाम। प्लीज आपके भरोसे तो मैं आया हूँ, कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए। एक बार कहिए कि वो मर गया, मेरे लिए वो काफी है। घायल का शिकार करना बहुत आसान है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। वो मुझे नहीं छोड़े, मैं भगवान को प्यारा हूँ। क्या हुआ पापा, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? पापा बोले ना पापा। तुम सब कुछ पहले से ही जानती थी ना? हाँ पापा, बहुत पहले से नहीं, कुछ दिन पहले से। आपको मारने के लिए मुझे सुपारी मिली थी, तभी वेणु पापा ने कहा कि कपाली ही तेरा असली बाप है। मेरे बाप को मारने का काम मुझे ही सौंपा गया। मैं भी गन उठा के आपका पीछा करती रही ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने भी लाख कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन योगी ने वेणु को इसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बोल, ऐसा क्यों किया? पुलिस वालों ने मरने वालों को अस्पताल में पहुंचा दिया था। वहां हमारे साथी मंगल की लाश को लेने के लिए मैं भी गया था। उन लाशों के बीच कबाली की बीवी की लाश भी थी। उसे मॉर्चरी में ले जाने के बाद थोड़ी ही देर में भाई, वो लड़की जिंदा है। अंदर जाके देखो, जल्दी आओ। वहाँ कबाली की बीवी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। लोकेश उसे देखकर डर के मारे भाग गया। तब मैंने जाकर ताई को बुलाया, उसी ने उसका प्रसव करवाया। उसने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जिंदगी में मेरा तो अपना कोई नहीं था, इसलिए उसे अपना समझ के कबाली की बेटी को अपनी बेटी बना के पाला। लोकेश के साथ हुई समस्या की वजह से मैं थाईलैंड में आकर सेटल हो गया। उस बच्ची के आने के बाद मेरी जिंदगी में चार चांद लग गए, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ड्रग्स के चक्कर में मुझे किसी ने चाकू मार दिया। उस दिन से मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे इस हाल पर पहुंचाने वाले को ढूंढकर उसने उसे गोली मार दी। फिर पैसों के लिए वही उसका पेशा बन गया। तब से लेकर आज तक मेरी बेटी योगी कबाली के पास जाने के बाद भी सगे बाप की तरह मेरी देखभाल करती है। कबाली की बीवी कहाँ है? वो वहीं पर मर गई। माँ मरी नहीं पापा, वो जिंदा है। माँ मुझे पैदा करते वक्त हसीमा नाम की दाई थी, ये वेणु पापा ने बताया। मैं आपको फॉलो करती थी, उसी दौरान माँ के बारे में जानने के लिए हसीमा जी को भी ढूंढ रही थी। जहाँ वो काम करती थी उस हॉस्पिटल स्टाफ को ढूंढ के उनसे बात करके आखिरकार हसीमा का पता लगा लिया। उनसे ही मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता चला जिसने माँ का इलाज किया। कमोडियन अंतक हॉस्पिटल साके जीव सलाम बापा बुलान। रूपा उसे कुछ भी याद नहीं, कौन है, कहाँ से है, किसकी है। सर पे मार पड़ा इसलिए होश में आने के लिए भी उसे बहुत टाइम लगा। अचानक रोने लगती थी अपने पति और बच्चे के बारे में सोचकर। थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी तो उसे मैं अपने घर ले गई।
काम करते करते वो फ्रीज हो जाती थी और आंखों से आंसू बहने लगते थे। मेरा पति आएगा, मुझे ले जाएगा कहकर चौखट पर ही बैठ जाती थी। जो नहीं है उनके बारे में सोचकर जब भी वो परेशान होती थी तब उसका दर्द हम भी महसूस करते थे। उन दिनों मेरी चचेरी बहन माँ बनने वाली थी, देखभाल के लिए कोई चाहिए कहा बस चेन्नई में ही, सो मैंने ही उसे तमिलनाडु भेजा। मैंने सोचा हवा पानी बदलने से उसकी कंडीशन और ठीक हो जाएगी। बेटा चलो निकलते हैं, अभी अभी जाकर तुम्हारी माँ को ले आते हैं, जल्दी चलो। ए आमिर, देखा तूने, मेरी रूपा आज भी मेरा इंतजार कर रही है और मैं सोचता था कि वो खुदा का शुक्र है उन्हें कुछ नहीं हुआ। ए जीवा इधर भाई, अपनी बीवी को, मैं अपनी बीवी को ले आऊंगा। अच्छा भाई। अभी इसी वक्त ले आऊंगा, वो स्टोनी ली और विजय सिंह के सामने उसे खड़ी करके कहूंगा देख लो तुम लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाए, चिल्ला कर कहूंगा। मलिका हमारी सारी परेशानियां दूर होने का वक्त आ गया है बहन, आ गया है वो वक्त। बिल्कुल बेटा चलो चलते हैं, अभी इसी वक्त चलते हैं। क्या सोच रही हो? अभी कैसे पापा? क्या कैसे? हवा में उड़कर। उड़कर? क्यों, तुझे उड़ना नहीं आता? तू भी ना बेटा, कबाली की बेटी होकर कह रही है उड़ना नहीं आता है। हाँ। क्या देख रहा है, कुछ करना है यार। ना? मैं अपनी बेटी के साथ अभी इसी वक्त तमिलनाडु जाऊंगा। हाँ, पासपोर्ट टिकट वगैरह का फौरन इंतजाम करो। सारा इंतजाम हो जाएगा भाई। दादाजी के जमाने में हम ये देश छोड़कर गए थे, तब से हमारे खानदान से इस धरती पर कदम रखने वाला मैं पहला आदमी। सुनो प्लान पक्का है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, निपटा देंगे। ब्रो? हाँ, तुम हो? योगी। भाई बाद में बात करता हूँ। अमर नहीं तुमको भेजा है ना, तभी तो बोर्ड उठा के खड़ा हूँ। योगी तुम ही हो ना? आजा, मेरा नाम है जय। अमर को तुम जानते हो ना? उन्होंने ही मेरे बड़े भाई से बात करके मुझे यहाँ भेजा है। भाई का नाम है धर्मा, धर्मा भैया। एक छोटा सा मसला था इसलिए वो नहीं आए। डरने की कोई बात नहीं, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। अतिथि देवो भव, हम हिंदुस्तानी है साहब, आइए। लो पकड़ो, ए गाड़ी ले गया, जल्दी आ। साहब आपको भूख लग रही होगी, रास्ते में कहीं कुछ खा के जाएंगे? कोई जरूरत नहीं, सीधे होटल ले चलो। ए सीधे होटल चल। दया मैनेजर को बुलाओ जल्दी। आइए सर। Welcome to Chennai. Thank you. It's a pleasure to have you here. Thank you very much. Please, please, please. DJ sir.
राजू तुमको और कुछ चाहिए? हाँ क्या हुआ योगी? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। हाँ पापा मैं देखती हूँ। ये मेरे भाई का कार्ड है, पीछे मेरा नंबर भी है, तुम्हें जब भी कुछ मदद चाहिए तो मुझे फोन करना। अगर किसी ने डोरबेल बजाई तो कौन है पूछकर कंफर्म करके दरवाजा खोलना, समझ गई ना? चारों तरफ लड़कों को तैनात किया है, घबराओ मत, बिल्कुल सेफ हो, मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ। तो चलो बोलो भैया। 806 बाप बेटी तुम ही है, काम हो जाएगा भाई। ठीक है ठीक है। कबाली, can a single man eliminate the whole empire? No, because of here we will take control of everything. Anyone who disagrees, well, they will disappear and we will march ahead. Enjoy your soup. Choba, Taja Choba. Kabali is around, is it possible? Wo hamara kuch nahi bigad payega. You guys must do that first lah. Then we can talk about doing business in peace. Sorry Tony, I need to go. देखने से तो वो लड़का अच्छा लग रहा है, ऐसा मत सोचो, शकल में क्या रखा है? बताओ तुम इतना डरती क्यों हो? तुम ऐसी तो नहीं थी? कभी अपने चेहरे पर डर मत दिखाना, दुश्मन को पता चल गया कि हम डर गए हैं तो वो उसका फायदा उठाएगा। पापा ये क्या? पापा क्या कह रहे हैं? डर और मुझे? मैं योगी हूँ। बेटा रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। पापा पता नहीं कौन है, चार चार लोग हैं। मैं देखता हूँ। साहब नमस्ते, साहब मैं हूँ धर्मा, अमीर भाई ने भेजा है। धर्मा आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। अमीर ने सब बता दिया सर, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब मैं देख लूंगा। बैठिए। थैंक यू। और बताइए साहब, सब ठीक ठाक है ना? Everything is fine. Thank you, वो आपने बेल ज्यादा बजाई ना, यहाँ गड़बड़ हो गई। सारे सर, माल पीके टल्ली हो गया था। सर वो एड्रेस दे दीजिए। वो एड्रेस देना बेटा। सर आपकी कहानी सुनी, उस वक्त अगर माल पिया होता तो मैं जरूर रो पड़ता। माल लगाने जाएंगे साहब, यहाँ नीचे ही है, सब हमारे कंट्रोल में है। मुझे वो आदत नहीं है। इतने बड़े आदमी होकर आपको माल पीने की आदत नहीं? क्या साहब, आप भी ना, मलेशिया में माल गलत तरीके से लड़कियों के लिए बोला जाता है। योगी माल से इनका मतलब है विस्की ब्रांडी वगैरह। ओके सर, यही है। जय, ये लो, ये पता कहाँ का है देखो। यहाँ लिखा है CTR बंगला, अंबेडकर हॉल, अरे अपना मेमोरियल हॉल। बंगला हम पता लगाएंगे। ए वो खिलौना देना, ले लीजिए साहब, रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं, मैं दो लड़कों को यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो सब देख लेंगे। बहुत खूब साहब, बहुत अच्छा लगा सुनकर, ये बहुत खूब। इसके रास्ते में कोई भी आए उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। तुम लोग काम शुरू करो। नहीं संभाल लेना, आज के बाद 43 का राज होगा। सर मैंने बात की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए देख लेते हैं।
पागल की तरह घूमती थी वही ना देवी। अच्छा देवी बड़ी नेक औरत थी, मेरी बेटी ने उसे कहीं भेजा है। देवी अब हमारे साथ नहीं है, उसके पति को और बच्चे को किसी ने उसके आंखों के सामने ही मार दिया। उस हादसे के बाद वो पागल सी हो गई। अच्छा आप कौन है? मैं उनका पति, ये हमारी बेटी है। हा? मतलब आप लोग मरे नहीं? हे भगवान, ए फोन दे, अब अमेरिका में रात होगी, ट्राई करता हूं। मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है, उठाते ही पूछ के बताता हूँ। आप जाके कल इसी समय आ जाइए। उन्होंने कॉल रिसीव किया है, बात कीजिए। हेलो, बोलो बेटी कैसी हो? बच्चे सब अच्छे हैं ना? बेटी देवी से मिले कोई आया है? वही मलेशिया वाली को, पेनी लोग के घर फ्रांस में। ओहो ठीक है। उसका पति सूट बूट पहनकर मस्त आदमी है, बेटी भी आई है, दोनों बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात। मेरी बेटी की फ्रेंड फेनी लो फ्रेंच औरत, उसी के साथ है, फ्रांस में ही रहती है, फिलहाल पांडिचेरी में सेटल है। कह नहीं सकते, हो सकता है फ्रांस लौट गए। मेरे पास फोन नंबर एड्रेस है, देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारी बीवी बार बार बोला करती थी कि मेरा पति आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो तुम्हारी राह देख रही है, जल्दी जाओ जाओ। बोलिए ना, रूपा जी यही पे रहती है ना? हेलो, प्लीज मैडम, हेलो मुंह बंद कर, ज्यादा बात मत कर चुड़ैल। यहाँ नहीं है सर, इन्हें भी नहीं पता, आसपास किसी से पूछ लेते हैं, कहीं तो होंगी। रुकिए साहब, साहब सुनिए साहब, देवी दीदी को ढूंढ के आया है ना? हाँ वो यही पे रहते थे, पेनेलोप मैडम है ना, पेनेलोप मैडम उन्हें और वो फ्रेंड्स कॉलोनी पे ले गए, उसे वही जाकर मिली है साहब। कौन हो भाई? भाई गेट खोलो। गेट इस वक्त मैं नहीं खोल सकता। किसी ने बुलाया? अभी नहीं मिल सकते, पता है मलेशिया से लोग आए। मैं गेट नहीं खोलूंगा। तो करो, 6 बजे के बाद भाई कोई भी अंदर नहीं आ सकता, बहुत दूर से लोग आए हैं। अभी जाओ कल आना। बॉस तुम ही बोलो ना, गेट खोलने के लिए बोलो। फोन नहीं लगेगा, तुम कल आ जाओ। प्राइवेट प्रॉपर्टी है साहब, सब विदेशी लोग हैं, इसीलिए अंदर जाने के लिए मना किया। आप दिल छोटा मत कीजिए सर, कल सुबह हर हाल में उनसे मिलेंगे, ठीक है ना साहब? ए तू ऊपरी रह, सबको चौकन्ना रहना होगा। ए रुबल स्विमिंग पूल के पास आ, संजय गाड़ी निकाल। ए सब लोग सावधान रहना, तू मेरे साथ चल। ए कुछ भी हो तो फौरन मुझे खबर करना। पापा मैं देखती हूँ। पापा ये वही है। ये क्या समझते हैं आप? आपको क्या चाहिए? साहब का कुछ भी हो मुझे बताओ, कहाँ था मुझे साहब का? चलो तो साहब, मौजूद है आपकी रूपा देवी, मैंने देखा, अंदर जाने के लिए उन लोगों ने मना किया, मैं दीवार कूद कर गया, सुबह तैयार रही है, एक साथ चलते ओके है ना? पहले लोग से बात की मैंने, बहुत खुश है वो, सुबह चलते। पापा 4 बज गए, अब अभी तक सोए नहीं, ठीक है पापा जाके सोइए ना। इतने साल न जाने कहां दूर रहती थी, वो आज यहीं आसपास कहीं है, अब वो कैसे सोती होगी, मुझे देखते ही वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या कहेगी,
ये सब सोचता हूँ तो दिल जोरों से धड़कता है बेटा, जी घबराने लगता है, अपनी धड़कन में खुद सुन सकता हूँ। ए, तुम क्यों जाग रही हो, जाओ सो जाओ, जाओ। देवी से मिलने जा रहा हूँ ना। तो फिर चले, चलते हैं सर, चलिए काम। आ जाओ आ जाओ। बता भी दो, कम गो नाउ। मेहरबा हुई इम्तिहान की ये घड़ी, मिल गई मुझे आसमानी ये परी। सच है या सपना देखूं आँखों को मल के, खुशियों के आंसू छलके छलके। मर मर के जीना मेरा, के मरना दिन भूल कैसे कल के कल के। तुम मर गई हो क्या कर सब लोग? मैं तो मर ही चुकी थी, जब तक तुम ना आए तब तक। जादू रवा रवा देखो यहाँ वहाँ, उजली जुल्फ में हम हैं जवा जवा। जादू रवा रवा
हाँ वहाँ उजली जुल्फ में हम हैं जवां जवां. क्या हम इस तरह खुशी खुशी 2 साल रहे होंगे? पूरे 2 साल, 2 महीने और 18 दिन. पिछले 25 सालों में उन लम्हों की यादों के अलावा मेरे पास था ही क्या. एक नई है सुबह, नया ख्वाब है आंखों में. तू है मेरे साथ मगर तन्हा है सांसों में. बोलते हो इत्मीनान से, बोलो. खुशबू तुली यादों के गुलों में कोई जुगनू तो लगे. काली रातों में जादू रवा रवा तो चले. एक मिनट. जाओ जाओ भी. हाय मिस्टर किशोर, मीट माय वाइफ. यहीं से वेटिंग लॉज में चलते हैं. भाई, हे, क्या हो रहा है यहाँ? आमिर कहाँ है? और जीवा कहाँ? क्यों 2 दिन से फोन नहीं लग रहा? टेंशन मत लीजिए, हालात बदल गए हैं. जल्दबाजी में गलत काम ना हो. जल्दबाजी? क्या हुआ? कुछ बताओगे भी? कमाली साहब, पूरे स्कूल को तोड़ दिया है. अमित भाई को उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया साहब. उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए. ए, चुप. सर,
अभी कुछ नहीं, मेरी बात तो सुनिए। आदमियों ने हमारा स्कूल तोड़ दिया है। ये क्या कह रहा है? आप फौरन यहाँ चले आइए। देख लेना, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? सुनिए तो। ए जीवा। टोनी लेके आदमियों ने घेर लिया था। ये क्या बोल रहा है? मैं किस तरह बच गया? ए जीवा। जीवा। जगह फिक्स कर ले बस। तू अगर ये काम करेगा ना तो तुझे जो भी चाहिए ले ले। शिवा तो वैसे ही टपक गया। फुल केएल का कंट्रोल तेरे अंडर। केएल पूरा? सुनकर ही मजा आ गया। मैं तैयार हूँ। कमाल का लड़का है तू, सुपर। चला जा, टोनी गाड़ी में वेट कर रहा है, जाके मिल ले। टोनी ली? Jeeva, right? Good to see you. Go. Amir bhai, Tony Lee ke aadmiyon ne gher liya tha. Main kisi tarah bach gaya. Baad mein call karta hu. छोड़ूंगा नहीं।
तुझे पता है तेरे बाप को कितने बड़े ओहदे पर होना चाहिए था? कबाली के आने से पहले मैं और तेरा बाप गहरे दोस्त थे। तेरे दादा राम प्रसाद के लिए हम दोनों ही सब कुछ थे। राम प्रसाद के बाद श्याम प्रसाद आएगा सोचा था, न जाने ये कहां से आ गया। पल भर में तेरे बाप को उसकी आंखों के सामने पीछे धकेल कर खुद आगे बढ़ गया। श्याम प्रसाद ने तकलीफ उठाई है, श्याम प्रसाद ने मेहनत की है। जब एक गैंग लीडर मरता है तो उसका बेटा ही अगला लीडर बनता है, यही रिवाज है। यही तो पूछा था तेरे बाप ने, फिर क्यों मारा उसको? उसकी बीवी की मौत की वजह से ना, लेकिन अब उसके पास उसकी बीवी है और बेटी भी। लेकिन तू और तेरी माँ किस हाल में, उसकी गुलामी कर रहा तू? तूने तो बाप का नाम रोशन कर दिया रे गद्दार। It's about time to put everything to an end, and you can make that happen. If you want to be Ram Prasad, jaisa main kehta hu waisa karo. आज एंगली का 100वां जन्मदिन है, रात को सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आपको भी इनविटेशन आया है, वहां गए तो सभी लोग मिलेंगे, ठिकाने लगा सकते हैं। इसके बाद ऐसा चांस तो कभी नहीं। चुप कर कुमार, जहां देखो उनके आदमी है। अभी रहने दो, कुछ दिन बाद उसे ठिकाने लगाते हैं। क्या बात कर रहे हो? जीवा, अमीर भाई, अगला नाम इस तरह बढ़ते जाएंगे। यही हमारा आखिरी चांस है, इससे हमने अगर मिस किया। योगी। हाँ पापा। माँ से तैयार होने के लिए कहो। जी। हम अभी जाएंगे। कबाली इज कमिंग टुनाइट। बी रेडी। ini adalah masa yang sesuai. Hwaiying各位到大家欢迎，连老先生是我，今天我的掌声我的真正同学，今天是来先生的一百三十，今天到你来，老先生真正已经功劳，我们的参加他的圣贤会，这是我们荣幸，那也要梦也是修杯，未来土北和土矿丹，干一杯！ विजय सिंह, कैसे हो तुम दोनों? हाँ, एक मुद्दत के बाद मिले हो। हाँ, दोनों वाकई चमक रहे हो। नो वरीज,
बस यूं ही मिलने चला आया। रूपा आप इन्हें पहचानती हो? वो भला कैसे भूलेगी? मैं नहीं भूल सकती, ये मैं हूं कबाली की पत्नी और ये मेरी बेटी योगिता। अच्छी तरह देख लो, चलो जी। At least, एक दिन तुम फैमिली के साथ खुशी से चैम से सो जाओ। Was that? बहुत खूब। Yeah, बहुत खूब। आज मैं चैम की नींद सोने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत खूब। हुकूमत करने के लिए तड़प रहा है। स्टॉप दैट मैन। गांव में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। वो सब भले ही आप पर हुकूमत करेगा।
भूखे नंगे हालत में आया था रामप्रसाद के पास तू? अरे खाना खा के निकलना चाहिए था ना, उनकी तरह कपड़े पहन के रामप्रसाद बनेगा तू? जन्म से पता चलता है तू क्या है और तेरी औकात क्या है। स्टॉप, इतने बड़े रामप्रसाद को भी टपका दिया था मैंने। जब तक मैं जिंदा हूँ तू हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। मेरे पूर्वज गुलाम जरूर थे पर मैं हुकूमत करने के लिए जन्मा हूँ, कबाली हूँ मैं। Are you all right? Come down, Tony. Come down. Tony, come down, please. I'm sorry. How the hell did he pull this? Huh? No, Kabali and his man must die tonight. Only one man can walk out from your Britain. Hey, ho na hi hoga. Hey, Kabali ko marna hoga. Pehle Kumar ko pakdo. Yes, sir. Okay. Kabali ki beti ab hamare kabze mein hai. East wing ke storeroom mein aa. कबाली को यहां बुला के खत्म कर देंगे। मेरे बाप की मौत का हिसाब देना होगा उसे। कबाली की बेटी अब हमारे कब्जे में है। ईस्ट विंग के स्टोरूम में आ। He shouldn't decide the price. Ask him to come to us. On their doors. Tony, dah sampai. अब बुलाओ उसके बाप को, वो आएगा। टोनी ली और विजय सिंह ने मुझसे मिलकर बात की। मैं आपके साथ दगा करूं, आपको उनके हवाले कर दूं। ऐसा किया तो मुझे अगला रामप्रसाद बना देंगे। जैसे मेरे बाप को खरीदा वैसे मुझे भी। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं रामप्रसाद का पोता हूं, कबाली साहब के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा 1000 बार। You could get away with this? Come, tera hi intezaar tha. Mere saathi game. Correct time par aaya hai. Yes, Tony. Main bilkul sahi waqt par aa gaya hoon. Is mulaqat ka bahut dinon se intezaar tha mujhe. Looking good. The suit fits perfectly for you. Sheshe.
बहुत खूब, इन कपड़ों की स्पेशलिटी यही है। इसे चाहे अमीर पहने या गरीब, इसे जात पात शानो शौकत का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इसे पहनने वाला जो इंसान है उफ 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 छह। अगर अगला जन्म होना तो इंसान बनकर जन्म नहीं लेना चाहिए। यस फॉर श्योर, तुम्हें तो इंसान बनके पैदा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। आफ्टर ऑल तुम एक आई हैव एन आइडिया, You should be a dog. My dog. अबे ओए, अपने घर बार गांव सब कुछ त्याग कर यहाँ आकर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर सोना उगाने वाली जमीन बनाने वाले हम लोगों को यहाँ के लोग भी कुचल रहे हैं, चीन से आए तुम लोग भी मार रहे हो, इसमें हमारे अपने लोग अलग। हम हिंदुस्तानियों को हमेशा गुलाम बनाकर ही रखोगे? हमें आगे बढ़ने का हक नहीं? और अगर कोई गलती से आगे बढ़ जाए, थोड़ा ताकतवर बन जाए, सूट बूट पहनकर पांव पे पांव रखकर तुम्हारे सामने बैठ जाए तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? मैं तो एक मामूली परिवार का था, अब भी लौटा तो पेड़ काटूंगा, पत्थर तोड़ूंगा, बैल की तरह मेहनत करूंगा। खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरा आगे बढ़ना ही तुम्हारा मसला है तो मैं आगे बढ़ूंगा, सूट बूट भी पहनूंगा, पैर पे पैर रख के बैठूंगा स्टाइल से सिर उठाकर। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो जहन्नुम में जाओ। आगन हूं मैं, हवन हूं मैं, जल्दी चिता हूं मैं, कफन हूं मैं, टक्कर हमसे कोई ले ना सका, हिम्मत है जो अगर मिला नजर आना। सब तुम ही रख लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा।
आज के बाद तुम ही किंग हो, यू आर द किंग। बहुत कूल। नो, कबाली। थैंक यू वेरी मच। वेलकम दत्तो, आइए पापा। ए मीना, प्लास्टिक के पैकेट में डाल के देना। एक और भाई, चीज के भाई, मीना हमारे स्कूल के मैरिज में यही संभाल रही है भाईजान। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। हाँ पापा, दीदी सच कह रही है, अब तो मैंने रोना छोड़ दिया है। वेरी गुड। हमारी देखभाल के लिए अब एक और लड़की भी है, मीना है ना। मैं भी यही सोच रही थी। थैंक यू। मैंने अभी SPM का एग्जाम दिया है, 2 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी क्या होगा। ये पढ़ने में होशियार है, मेरा पास होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हम दोनों की हालत एक जैसी है। हम जैसे बच्चों का गलत इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम जो भी पढ़ें, कुछ भी करें, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। मनपसंद सब्जेक्ट मिले बगैर जो मिलता है उसे अपनाकर कोई भी कोर्स पढ़ना पड़ता है, वो भी ना मिलने पर प्राइवेट कॉलेज में पढ़कर कर्जदार बनो। ये सब मुझसे क्यों कह रही हो? हमें लगता है कि सिर्फ आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। मैं गुंडा हूँ, दुनिया कहती है, मानता हूँ कि गुंडा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा गुंडा। मुझसे क्या उम्मीद करती हो?